हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेड टू सक्सीड। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम एन इनकम टैक्स ऑफिसर, यानी आप जो है इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, आपको कौन से एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, उसका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, एज लिमिट क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की नई अपडेट या कोई नई वैकेंसी आती है तो उससे रिलेटेड वीडियो मिल सके। तो चलिए बात करते हैं जो है कि आप जो है इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे बन सकते हैं उसके बारे में। तो इसके ओवरव्यू के बारे में बात करें तो इसके लिए आपको जो है एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो होता है वो देना पड़ेगा। जो इस पर एस्पिरेंट्स इसके लिए अप्लाई करना चाहेंगे उनको जो है एसएससी सीजीएल यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं सीजीएल के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, उनके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जो वेरियस पोस्ट के ऊपर और वेरियस डिपार्टमेंट्स में आपकी वैकेंसी निकाली जाती हैं जिनके अंडर आपका इनकम टैक्स ऑफिसर आता है, उनके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इसके बाद में आपको जो है इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की बात करें तो इसमें जो है बैचलर्स डिग्री आपकी मांगी जाती है किसी बोर्ड से, किसी भी इंस्टीट्यूट से। आपने अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री की हुई है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, यानी आपने बीए, बीटेक, बीएससी, बीकॉम कुछ भी किया हुआ है बैचलर्स में तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज लिमिट की बात करें तो इसमें जो है मिनिमम आपकी 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 27 ईयर्स होनी चाहिए। और इसमें जो है 3 से 13 साल तक अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की बात करें तो जैसे सीजीएल एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, हम पीछे बात कर चुके हैं। और इसमें आपके जो रहता है सिलेक्शन प्रोसेस में तो उसकी बात करें, इसमें जो है आपको प्रीलिम्स और मेंस देना पड़ता है। तो जो पहला टीयर फर्स्ट होता है उसमें एमसीक्यू यानी प्री, जिसको बोलते हैं इसको हम प्री बोलते हैं, प्री में आपका ऑनलाइन पेपर रहता है सीबीटी। फिर टीयर सेकंड इसको मेंस बोलते हैं, उसके बाद में आपका जो मेंस होता है उसमें ऑनलाइन ये भी टीयर सेकंड एमसीक्यू रहता है यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं। और टीयर थर्ड जो रहता है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर इन इंग्लिश हिंदी, यानी डिस्क्रिप्टिव रहता है, इसमें आपको एसे राइटिंग और जो है एप्लीकेशन राइटिंग अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती हैं जो डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है पेन पेपर मोड में। उसके बाद में आपका जो फर्स्ट भी यानी टीयर फर्स्ट चौथा रहता है उसमें स्किल टेस्ट आपका रहेगा जो ऑफलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर और स्किल टेस्ट आपका ऑफलाइन होगा और दो पेपर आपके जो एमसीक्यू बेस्ड हैं वो ऑनलाइन कंडक्ट करवाए जाते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम की। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जो है आपके पार्ट ए और पार्ट बी दो सेक्शन रहते हैं। पहला सेक्शन रहता है पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल अवेयरनेस रहते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 100 रहेंगे, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। और इसमें पार्ट बी में अर्थमेटिक रहती है यानी गणित आपकी जो रहती है अर्थमेटिक वाली, इसमें 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहते हैं, 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है। तो जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद में आपको जो है मेंस के लिए बुलाया जाता है। तो मेंस में आपके जो है 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं, 5 सब्जेक्ट्स रहते हैं, उनके बारे में हम बात करें तो इसमें जो है जनरल स्टडीज एंड रीजनिंग एंड अवेयरनेस रहता है जिसमें 200 मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं, 3 घंटे का समय दिया जाता है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में 100 मार्क्स दिए जाते हैं, 2 घंटे 20 मिनट का समय रहता है। अर्थमेटिक एबिलिटीज़ में 200 मार्क्स का पेपर रहता है और 4 घंटे का समय दिया जाता है। लैंग्वेज की बात करें तो इसमें जो 100 मार्क्स रहते हैं और 2 घंटे 20 मिनट का समय दिया जाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड राइटिंग में जो है आपको 2 घंटे 20 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो आप जैसे ही मेंस क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद में जो आप जो है इनकम टैक्स ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आपके लिए इंटरव्यू भी रखा जाता है जो पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू जिसे बोलते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू जो है आपका होगा, उसको क्लियर करने के बाद आपका जो स्किल टेस्ट भी इसमें करवाया जाता है जिसमें डाटा स्पीड 2000 वर्ड्स पर 15 मिनट्स यानी आपको 15 मिनट में 2000 वर्ड लिखने होते हैं। और ये जो है एसएससी के वेरियस सब रीजनल ऑफिसर में जो है कंडक्ट करवाए जाते हैं। इसके बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाती है जिसमें आपका जो है मेरिट इन होना आवश्यक होता है, तभी आप इसमें जो है मेरिट इन हो पाएंगे। और इसमें जो है आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंटरव्यू के बाद में आपका डीवी भी होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है जिसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। और इसके आगे हम बात करें जो है इसकी कट ऑफ के बारे में, तो प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ रही है उसके बारे में बात करें तो इसमें जो है कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है आपकी अलग अलग रखी गई है। इनकम टैक्स ऑफिसर की ये जो कट ऑफ है उसके बारे में बात करेंगे तो जनरल की 578.75 गई थी और ओबीसी की आपकी गई थी 557.75, ये आउट ऑफ 700 है यानी आउट ऑफ 700 आपकी इतनी कट ऑफ गई थी। और एसटी की बात करें तो 511.50 गई थी, एससी की 515.25
और जो एक्स सर्विसमैन रहते हैं उनकी 482.50, OH की 489.50 और HH की जो है 473.00 इसकी कट ऑफ पिछली बार गई थी। तो आप जो है देख सकते हैं कि एग्ज़ाम की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई है और एग्ज़ाम भी आपका अच्छा खासा रहता है और ये टफ भी रहता है, इसमें मैथ वगैरह काफ़ी अच्छी पूछी जाती है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो अभी इसके फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं SSC CGL के, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर जो आपके पास जो है जितनी भी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं वो चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और एक बात, अगर आप किसी भी ग्रेजुएशन ईयर में फाइनल ईयर में हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी थर्ड ईयर या फाइनल सेमेस्टर में हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसकी सैलरी के बारे में, तो सैलरी काफ़ी अच्छी रहती है। तो इसमें जो फाइनल सैलरी आपको मिलती है TA DA और बेसिक पे वगैरह HRA TA DA DA TA और ये गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन और CAGHS और ग्रॉस अर्निंग्स, ये सारी चीज़ें मिला के आपकी जो फाइनल सैलरी बनती है वो बनती है 57,407 रुपये। तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई ज़रूर करिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की नई अपडेट है, कोई नई वैकेंसी आती है तो उससे रिलेटेड वीडियो मिल सके। थैंक यू।